वेलकम क्लास एट्थ इन टूडेज क्लास स्टूडेंट्स एज यू नो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड ज्योग्राफी चैप्टर सेकेंड नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर और हम लोगों ने वहाँ पर लैंड फॉर्म्स के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. टूडे वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक सॉइल. सॉइल क्या है हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. देन हम देखेंगे कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है और सॉइल प्रोफाइल क्या है. So let's start our today's learning. सबसे पहले जान लेते हैं सॉइल क्या है. सॉइल की डेफिनेशन क्या है. सॉइल द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. हमारे अर्थ का के सरफेस को कवर करता हुआ एक स्मॉल लेयर जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है इसे हम सॉइल कहते हैं. ये बहुत सारे बड़े बड़े पीस ऑफ रॉक्स के टुकड़ों में विभाजित हो जाने के वजह से होता है. बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो टूटते टूटते ब्रेक होते होते बहुत छोटे छोटे पीसेस में और बाद में स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाते हैं जिन्हें हम सॉइल कहते हैं. फाइन वेजिटेबल्स एनिमल रिमेन्स और भी बहुत सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सब से मिलकर हमारे सॉइल के इस अपर लेयर का अपर पार्ट बनता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और हमारे फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन को बढ़ाने के में बहुत हेल्पफुल होता है. सॉइल की फॉर्मेशन एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होती है जो बहुत ही स्लो वे में चलती है. बहुत सारे रीजंस हैं किन किन वजहों से सॉइल की फॉर्मेशन होती है. बड़े बड़े पीस ऑफ रॉक्स से सॉइल के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के इस प्रोसेस में बहुत लॉन्ग पीरियड लगता है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं लगभग 2-3 सेंटीमीटर्स की सॉइल को फॉर्म करने के लिए. सॉइल कुछ स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशन के साथ ही फॉर्म होती है. कुछ उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है जिन कंडीशंस के बाद ही बड़े पीस ऑफ रॉक से सॉइल बनता है. हर जगह पर हम लोग पाते हैं कि डिफरेंट टाइप के सॉइल्स होते हैं, है ना. रीजन टू रीजन कहीं पर हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, कहीं हम येलो सॉइल पाते हैं. तो हर प्लेस पर अलग अलग टाइप के सॉइल्स देखने को मिलते हैं. इन सॉइल्स में जो डिफरेंसेस होते हैं वो फिज़िकल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं हमें. जैसे डिफरेंट टाइप के सॉइल्स डिफरेंट कलर्स के होंगे, उनका टेक्स्चर अलग होगा. हर तरह के सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो उनके सॉइल की क्वालिटी होती है, प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी होती है, वो भी डिफरेंट होती है हर तरह के सॉइल्स की, ठीक है. बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कि किस तरह से पेरेंट रॉक यानी वो रॉक जिस रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है ना. हर पेरेंट रॉक का सॉइल में कन्वर्ट हो जाने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट नेचुरल कंडीशन डिसाइड करती हैं. जिस जगह पर जैसे नेचुरल कंडीशंस होते हैं उसी तरह से वहाँ पर पेरेंट रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है. तो ये कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनके बाद सॉइल की फॉर्मेशन होती है, आओ समझते हैं. सबसे पहला जो फैक्टर है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लाइमेटिक कंडीशन. किसी भी प्लेस के सॉइल के फॉर्मेशन डिपेंड करता है उस प्लेस के क्लाइमेटिक कंडीशन पर. जैसे अगर किसी भी प्लेस पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है ना, अगर बहुत हाई हैवी रेनफॉल होती है तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर रॉक्स जो होंगे उनको वेदरिंग करने का प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ होगा. वेदरिंग प्रोसेस का मतलब होता है सॉइल के बड़े पीस ऑफ रॉक्स का छोटे छोटे कणों में चेंज हो जाना या टुकड़ों में विभाजित हो जाना. हम लोगों ने देखा है कि जब किसी एक प्लेस पर प्रेशर के साथ कंटिन्यूसली वाटर गिरता है, रेनफॉल हो रही है, तो वो कटना शुरू कर देता है. तो वो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो कटने लगते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं और वही जो होगा ड्रेन करके जहाँ पर भी बह कर जाएगा तो वो सॉइल कहलाएगा, है ना. वो सॉइल की फॉर्मेशन इस तरह से हो जाती है. किसी भी जगह पर सीजनल टेम्परेचर कितना ज़्यादा है ना, अगर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से रॉक्स क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो बड़ा पीस ऑफ रॉक क्या हो जाता है, छोटे छोटे कई टुकड़ों में चेंज हो जाता है, विभाजित हो जाता है. और यही
जब रेनफॉल हो रही है या कुछ भी और दूसरे इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके एक स्लो प्रोसेस के थ्रू ये बड़े पीस ऑफ रॉक्स हमारे सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो अगर किसी भी जगह पर बहुत तेज़ी के साथ सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है इस चीज़ के लिए कि वहाँ पर कैसे बड़े पीस ऑफ रॉक से सॉइल को क्रिएट किया जा सके, सॉइल को फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में, वो है पेरेंट रॉक मटेरियल। पेरेंट रॉक मटेरियल का मतलब होता है कि वो रॉक जिससे सॉइल बन रही है ना। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो पेरेंट रॉक है वो बहुत ही हार्ड रॉक है ना, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वो बहुत आसानी से उस पेरेंट रॉक को चेंज नहीं कर पाएंगे ना। बहुत ज़्यादा डेंस अगर हमारा रॉक है, अगर बहुत ही ज़्यादा घना है और बहुत ही ठोस है, तो उस पे हमें वाटरफॉल या फिर जो रेनफॉल हो रही है या फिर जो टेम्परेचर है वो बहुत आसानी से उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा, है ना। तो यानी वहाँ पर जो सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा। तो अगर किसी प्लेस पर सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो वो किस चीज़ के रीज़न की वजह से बन रहा है? वहाँ पर जो भी पेरेंट रॉक मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसके कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट्स एंड परमीबिलिटी पर के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर का मतलब होता है कि जिस भी प्लेस के सॉइल फॉर्मेशन की बात हम कर रहे हों या जिनके बारे में भी हम जानना चाह रहे हों, वो किस जगह पर लोकेटेड है, यानी उसका एल्टीट्यूड क्या है, वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है या लो एल्टीट्यूड पर है, ठीक है। अगर वो लो एल्टीट्यूड पर है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि चलो वो हाई एल्टीट्यूड पर है, ठीक है, यानी वो स्लॉप्स मिलेंगे उसको। हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से जो भी वेदरिंग होगी, ड्रेनेज ऑफ वाटर होगा, वो बहुत स्पीड के साथ होगा, है ना। जहाँ से होकर अगर हम मान लेते हैं कि रिलीफ फीचर थोड़ा सा स्लाइडिंग वाला है, स्लॉपिंग वाला है, यानी ढालदार है, ठीक है, तो वहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो वाटर रेनफॉल हो रही है वो वाटर के की स्पीड वहाँ पर आगे नीचे जो हमारा डाउन एरिया होगा वहाँ पर जाने की स्पीड बहुत तेज होगी, है ना। तो उस प्रेशर की वजह से भी जो बड़े रॉक्स का सॉइल में चेंज होने का प्रोसेस होता है उसको भी हेल्प मिलेगी, है ना, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा हाई लैंड होगा, है ना, जो हमारा हायर लैंड है, वहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर जब रेनफॉल हो रही है तो सब जो कुछ भी ड्रेन हो रहे हैं, जो भी पार्टिकल्स रॉक्स के उससे डिवाइड हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वो सब क्या होंगे, वो लो लैंड की तरफ जाएंगे ना, बह के वहाँ पर ड्रेन करके जाएंगे। तो वो जिस भी लो लैंड में जाएंगे वहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन जो हमारे हाई लैंड हैं, जो ऊंचा एरिया है, हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, वहाँ पर तो हमारे रॉक्स के पार्टिकल्स इकट्ठा हो ही नहीं पा रहे हैं, डिपॉजिट ही नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन होगी ही नहीं, बहुत कम होगी या बहुत स्लो होगी, ठीक है। तो ये भी प्लेस की लोकेशन, वो हाई लैटीट्यूड पर है या लो लैटीट्यूड पर है, किस तरह के लैटीट्यूड पर है, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा होगी और सॉइल की अवेलेबिलिटी कितनी होगी। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, वो है ह्यूमस। किसी भी सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ह्यूमस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें होते हैं, बहुत जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सब से मिलकर हमारे सॉइल का अपर लेयर बनता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, है ना। ये हमारे सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो किसी भी प्लेस पर डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स की अवेलेबिलिटी भी डिसाइड करती है उस जगह पर सॉइल की फॉर्मेशन को, है ना। अगर हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो हम फर्टाइल सॉइल की बात कर रहे हैं ना। तो अगर किसी कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वेजिटेशंस होते ही नहीं है, जहाँ पर कोई प्लांट्स और कोई एनिमल्स रहते ही नहीं है, तो वहाँ पर अगर सॉइल की फॉर्मेशन हो भी जा रही है तो वो सॉइल हमारी क्वालिटी वाली सॉइल नहीं होगी, है ना, फर्टाइल सॉइल नहीं होगी, हमारे लिए यूज़फुल सॉइल नहीं होगी,
है ना। तो अगर अच्छे सॉइल फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी डिसाइड करती है उस जगह के सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल की क्वालिटी को। क्लियर? इसके अलावा टाइम पीरियड है जो डिसाइड करता है कि किसी भी जगह पर सॉइल की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, है ना। हम कितना टाइम दे रहे हैं किसी भी जगह को देखने के लिए कि वहाँ पर कितनी सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है। हर जगह की सॉइल की एक प्रोफाइल होती है, और वो सॉइल प्रोफाइल जो है वो एक लॉन्ग टाइम लेती है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन लेती है सॉइल प्रोफाइल को क्रिएट करने में, ठीक है। तो टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, वो सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस क्या होगी और उसी के अकॉर्डिंग उस जगह की सॉइल को मापा जाता है, ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड पर। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल। अब हम सॉइल प्रोफाइल समझेंगे कि ये होती क्या है। सॉइल डेवलप्ड इन हॉरिजेंटल लेयर्स, सॉइल को हम जब देखते हैं तो वो एक हॉरिजेंटल लेयर के रूप में डेवलप करती है। हमने बताया कि बड़े पीस ऑफ रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन होती है ना, एक जगह पर टूट कर, कट कर, बह कर जो पार्टिकल्स इकट्ठा होते जाते हैं वही सॉइल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, है ना, वही सॉइल क्रिएट करते हैं। तो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच सॉइल जो है वो कई लेयर्स में डिवाइडेड होता है, हॉरिजेंटल लेयर्स में। इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग सॉइल प्रोफाइल करते हैं कहते हैं। अगर हम वर्टिकली हमारे अर्थ को कट करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कई लेयर्स में हमारी सॉइल दिखाई देती हैं। क्लियर? और इन्हीं लेयर्स को हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि हम हॉरिजेंटल लेयर्स में इनकी कटिंग कर रहे हैं और पाते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है, ऊपर से नीचे की तरफ बहुत सारा फ़र्क देखने को मिलता है। इस सॉइल प्रोफाइल को हम लोग सॉइल हॉरिजॉन्स भी कहते हैं, जो सॉइल की हॉरिजेंटल लेयर होती है। तो चलो समझते हैं कि सॉइल किस तरह से सॉइल का प्रोफाइल है। सबसे पहले सॉइल की टॉप सॉइल होती है जिसको हम हॉरिजॉन ए कहते हैं, क्योंकि जब हम शुरू से इसको देख रहे हैं तो सबसे ऊपर ये लेयर हमारी पाई जाती है। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दिस सॉइल, ये सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है। ये लेयर ह्यूमस में रिच होती है, क्योंकि हमने बताया था कि अपर जो हमारी लेयर होती है सॉइल की उसमें ह्यूमस पाया जाता है। और ह्यूमस किन किन चीज़ों को कंटेन करता है? ह्यूमस प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म के डेड रिमेन्स को कंटेन करता है। तो हमारे टॉप सॉइल में अगर हम कहते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो इन चीज़ों के डेड रिमेन्स हमारे टॉप सॉइल में पाए जाते हैं जो ह्यूमस के पार्ट होते हैं। समझ में आया? सेकेंड लेयर हमारी होती है सब सॉइल, जिसको हम हॉरिजॉन बी भी कहते हैं। ये हमारे टॉप सॉइल के जस्ट नीचे पाया जाता है और ये सिल्ट, क्ले, सैंड, सम और कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कुछ मिनरल्स, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। रेन वाटर जो हमारे टॉप सॉइल से होकर सब सॉइल में कलेक्ट होती है, हमारे अर्थ के अंदर जो हम कहते हैं कि भूमि के अंदर का अंडरग्राउंड वाटर है, तो अंडरग्राउंड वाटर हमारा कहाँ कलेक्ट होता है? हमारे इसी सब सॉइल में, यानी हॉरिजॉन बी में कलेक्ट होता है। नेक्स्ट लेयर हमारे सॉइल प्रोफाइल की होती है रॉक फ्रैगमेंट। दिस लेयर लाइज इन बिटवीन द सब सॉइल एंड द पेरेंट बेड रॉक। ये हमारे पेरेंट बेड रॉक जो सबसे नीचे पाया जाता है के ऊपर और सब सॉइल के नीचे पाया जाता है, ये बड़े बड़े रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं जो बहुत जो विभाजित होने के बाद सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जितना नीचे हम जाते हैं हमारे सॉइल प्रोफाइल में, हमारे जो पीस ऑफ रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सब सॉइल से बड़े पार्टिकल्स रॉक्स के पाए जाते हैं रॉक फ्रैगमेंट्स में। लास्ट जो हमारा लेयर होता है सॉइल प्रोफाइल का वो है बेड रॉक, जिसे हम हॉरिजॉन डी कहते हैं। ये लास्ट लेयर होती है हमारे सॉइल प्रोफाइल की, इसलिए इसे हम पेरेंट रॉक कहते हैं, क्योंकि इसी से हमारे उस सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है। या फिर हम इसे बेड रॉक भी कहते हैं क्योंकि हमारा
जो भी सॉइल का लेयर है, सॉइल की प्रोफाइल है, वो इसी के ऊपर होती है ना। और ये सॉलिड लेयर होता है, ये अनवेदर्ड रॉक होते हैं, मतलब टूटे फूटे रॉक्स के टुकड़े नहीं होते हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिसके ऊपर रॉक फ्रेगमेंट्स और उसके ऊपर सब सॉइल, देन हमारी टॉप सॉइल जिसमें ह्यूमस। तो ये कुल मिलाकर सब कुछ हमारा सॉइल प्रोफाइल क्रिएट करता है, और ये हैं उसके डिफरेंट लेयर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल प्रोफाइल। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस डिफरेंट सॉइल्स ऑफ इंडिया। इन होमवर्क यू हैव टू फ्रेम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज टॉपिक एंड फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक। हम प्रीवियस टॉपिक का और आज के टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे वन वर्ड आंसर्स फ्रेम करना है, देन सबमिट इट इन आवर क्लास ग्रुप। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।